एमएसके मिल जलालाबाद के 3 वार्ड के अंदर हमने बेहतरीन उम्मीदवारों को हमने कैंडिडेट बनाया है। हमारे सामने कांग्रेस के लीडर्स हैं, कांग्रेस के वर्कर्स हैं, एक नई पार्टी जो हैदराबाद की नहीं नहीं यहाँ पर आई है, एक पैसे वाले की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, इत्तेहाद में इंतजार पैदा करने के लिए वो लोग भी पैसे के बलबूते पर यहाँ पर उम्मीदवार उतारे हैं। मैं एमएसके बिल जलालाबाद में आपसे हक के साथ यहाँ पर आया हूँ। मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैं शांतिनगर में रहने वाला आपका पड़ोसी हूँ। आपसे हक के साथ मेरे उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कांग्रेस के लीडर्स यहाँ पर तकरार कर रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जितने भी सियासी दानिशमंद लोग हैं, समझ रखने वाले लोग हैं, कहाँ पर है कांग्रेस के वो खायदीन जो भारतीय जनता पार्टी को इख्तदार से दूर रखेंगे? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये दावे किए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस इख्तदार से दूर रखती है। कहां पर वो मुमकिन हुआ है? कहीं मुमकिन हुआ है? आज भारतीय जनता पार्टी के आज पार्लियामेंट में देख लीजिए आप, 100 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है तो वो कांग्रेस के लीडर्स हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस वालों को, शर्म आनी चाहिए उनको। आज कर्नाटक के अंदर हुकूमत हमारी थी, एक सेक्युलर हुकूमत थी, कुमार स्वामी साहब को यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया गया, कांग्रेस के सपोर्ट के बुनियाद पर बनाया गया। क्या वजह है कि आज कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर हुकूमत है? यहाँ पर बीजेपी हुकूमत में आने की वजह कांग्रेस के उन 15 MLA हैं जिन्होंने रिजाइन करके बीजेपी का साथ दिया। क्या बीजेपी में वो दमखम है कि हमको हरा सके? नहीं, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो है हमेशा जो है उसको जो है इख्तदार पेश करने का काम करती है। कम्युनलिज्म का अगर कहीं पैदावार है, सॉफ्ट हिंदुत्व का अगर कोई पैदावार है तो वो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हिंदुस्तान में अगर कोई कर रहे हैं तो वो रीजनल सेकुलर पार्टीज है। चाहे बंगाल के अंदर ममता बनर्जी रोक रही है, आज हिंदुस्तान के अंदर आप देख लीजिए, दिल्ली के अंदर बताइए कहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को इख्तदार में रोका है? 15 साल बीजेपी हुकूमत करने के बाद एक बार कांग्रेस आ रही है। नरेंद्र मोदी को रोकने की ताकत किसी में नहीं है। आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को ये जरूरत है, दलित भाइयों को ये जरूरत है, सेक्युलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाइयों को जरूरत है कि बीजेपी को इख्तदार में अगर रोकना है तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूत करना है। कर्नाटक के अंदर अगर कोई ताकतवर रीजनल पार्टी है तो वो जनता दल सेक्युलर है। देवेगौड़ा जी की खयादत हिंदुस्तान के अंदर ये दावा के साथ, एक चैलेंज के साथ हम बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को इख्तदार से रोकेगी, मगर जरूरत इस बात की है कि मुसलमान हम जनरल सेकुलर के साथ जुड़े, सेकुलर जहन रखने वाले जनता दल के साथ जुड़े। पिछले इलेक्शन के अंदर भी ये दावा किया गया कि जनता दल सेकुलर बीजेपी की बी टीम है, कोई पप्पू आके दिल्ली से बोला, यहां पर हर लोग ये बोले कि भाई जनता दल सेकुलर को वोट डालना, बीजेपी को वोट डालना है। इलेक्शन के बाद क्या हुआ? यही कांग्रेस के खायदीन, यही कांग्रेस के लीडर्स हमारे देवेगौड़ा जी के घर को जाकर के देखिए हमारे पास कोई ताकत अलग नहीं है, अगर सेक्युलर लीडरशिप देना है तो कुमार स्वामी साहब को चीफ मिनिस्टर का काम बनाने का काम किए। आपके जहन में ये बात रखिए, आज हम लोगों को एक होना है। कुमार स्वामी साहब ने, जनता दल ने आज आपके इस भाई को, आपके इस पड़ोसी को, आपके इस बेटे को आज स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया है। स्टेट के अंदर सदर बना हूं मैं, मुझे मुसलसिल दो बार शिकस्त मिली। आपका ये भाई दो बार शिकस्त मिलने के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारा। जब तक जिंदा हूं आपके बीच में रहूंगा। मेरे पीछ पे जैसे MIM के आए ना, ये शेरवानियां के चमचे, 4 MLA यहां पर फिर रहे हैं। कितने MLA फिर रहे? गली-गली फिर रहे 4 बार। इलेक्शन के बाद दिखने वाला नहीं, नोटों के बंडल लेके निकल रहे हैं खरीदने के, मुसलमानों को इलेक्शन में जिताने के लिए। इस मुसलमान बिकने वाला नहीं है, नोटों के बलबूते पे मुसलमान बिकने वाला नहीं है। कांग्रेस के पूरे लीडर्स आज, हमारे भी जो चिन्ह भाई चले गए कांग्रेस में,
कांग्रेस के खिलाफ तकरीर देते देते उनकी जबान नहीं थकती थी, आज चले गए मजबूर होकर के। उनका दावा यह है कि कांग्रेस के अलावा मुसलमान वोट नहीं देते। मैं आपका भाई आपसे गुजारिश करने आया हूं, मजबूर मत कीजिए मुसलमानों को, मुस्लिम खयादत को मजबूर मत कीजिए। पहचानिए कांग्रेस दुश्मन है मुसलमानों की, खयादत को खत्म करने वाली ताकत है। असदुद्दीन अवैसी साहब से मैं सवाल पूछता हूँ, आपका ये भाई सवाल पूछता है, पूछिए उनसे। कांग्रेस का उम्मीदवार मुसलमान, जनता दल का उम्मीदवार मुसलमान, फिर भी और एक मुस्लिम टीट देने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? क्या MIM के उम्मीदवार को कन्नड़ा आती है? क्या उसमें हिम्मत है कि वो जो है इक्तदार से सवाल पूछे? पैसे कमा लिया है उसका शौक पूरा करने के लिए टिकट देते हैं। असद साहब आपका इज्जत, आपकी इज्जत करते थे, क्यों इज्जत करते थे? आपकी आवाज में, आपके सवाल में जो है पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं आप, आपकी एहतराम करते हैं। कांग्रेस पार्टी यहां पर गुलबर्गा के अंदर आम निकल चुकी है, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए B Farm लेने के लिए एक एक टिकट दिए, दिए नहीं दिए? आपका ये भाई धारने के बाद 1 रुपए किसी के पास लिया होगा? रफूबुद्दीन बाग आके नासिर भाई फंड कितना देते हैं उन्हें नहीं पूछा? हमारे समत पटेल ने पूछे, साजिद कल्याण ने पूछे, गुलबर्गा के अंदर जितने उम्मीदवार हैं जनता दल सेकुलर के, वो फंड के लिए नहीं आए हैं, गुलबर्गा के अंदर एक इक्तदार के अंदर आने के लिए, गुलबर्गा के डेवलपमेंट करने के लिए आए हैं। आपके बीच में ये सवाल है, आपके बीच में ये सवाल है, क्या मुसलमान सिर्फ पैसे की बुनियाद पर वोट करेगा, क्या खयादत को मजबूत करने के लिए वोट करेगा? या आपके बीच में सवाल रखने के लिए आया हूं, क्या आप चाहते हैं कि मैं जो है अपनी हिम्मत को बरकरार रखूं, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई जारी रखूं? तो आपको इनकी सूरत को देखना नहीं है। साजिद कल्याणी, रफू, समद पटेल नहीं है ये कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स ये तीन नहीं है। हर वार्ड के अंदर नासिर हुसैन उस्ताद उम्मीदवार है। आपको मेरे लिए वोट करना है, मेरे लिए वोट करना है, मेरे लिए वोट करना है। इंशाअल्लाह ताला पब्लिक मीटिंग्स नहीं है, मैं जो है डर के बात करने वाला नहीं, मेरे दिल की जो आवाज है, मेरे पीछे कोई लीडर नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, 10 लोग ज्वाइन नहीं करे मेरे को। मेरे को अगर कोई गॉडफादर है, मेरे को अगर हाईकमांड अगर कोई है, तो मैं चाहता हूं कि वो हाईकमांड आप लोग बने, आप लोग मुझे डिक्टेट करें। कोई रिमोट से चलने वाला खिलौना नहीं हूं मैं, कोई लीडर मुझे रिमोट पे नहीं चला सकता। मेरा बड़ा भाई है कुमार राणा, चीफ मिनिस्टर 2 बार बनाए, मेरे बड़ा भाई है समझ के, वो मोहब्बत के साथ मैं रखा हूं। वही एक ताकत आप लोग देना है, आप लोग मुझे ताकत दीजिए। ये मजबूरी में सियासी रोटी सेकने के लिए जो हमारे भाई जो है कांग्रेस में गए हैं, उनकी बात मत सुनिए, उनकी मजबूरी है वो बोलते हैं, तकरीर अच्छी करते हैं, उनकी तकरीर दीजिए सुनिए। आया आया शेर आया बोलो, मगर दिल में याद रखो आपका ये भाई आपके लिए जब तक जिंदा है कभी डर के काम नहीं करेगा, आपके मसले को सवाल उठाने का काम आपका भाई करेगा। मुझे ताकत दीजिए, मुझे ताकत दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए। 10 तारीख के बाद मैं बेंगलुरु जा रहा हूं, मेरे ऑफिस में इक्तदार ले रहा हूं, मैं सीना चौड़ा करके वहां पर मेरे ऑफिस का चार्ज लेना चाह रहा हूं। अगर आप यहां पर जिताएंगे तो इंशाल्लाह आपका ये भाई कर्नाटका भर के अंदर आपकी आवाज बन करके काम करेगा। हमारे एक नौजवान साथी हमारे अलीम पटेल साहब भी आए, बहुत मेहनत किए थे, कांग्रेस की मोहब्बत बहुत ज्यादा थी, मगर देख लिए कि किस तरह से नौजवान खयादत को किस तरह से खत्म करने का काम कांग्रेस ने किए। आज जनता दल सेकुलर की जानिब से हमारे अलीम पटेल भी उम्मीदवार हैं, इंशाअल्लाह ताला हीरापुर के अंदर 100% जीत के आएंगे, कोई शक को शुबा नहीं है। आज हमारे CMS की मिल जिलानाबाद के अंदर इन 3 वार्डों के जिम्मेदार हमने खयूम पटेल साहब को बनाया है, उनकी लीडरशिप के अंदर इलेक्शन होगा, हमारे जो है भवानी वलकेरी साहब की लीडरशिप पे इलेक्शन होगा, और हर कैंडिडेट नासिर हुसैन उस्ताद समझ करके आप लोग काम कीजिए। गुलबर्गा के पश्चिम वार्ड के अंदर मेरे इस जज्बे को, मेरे इस हिम्मत को, मेरे इस लड़ाई को अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो कोई दूसरे आने वाला नहीं है। किसी लीडर की चमचागिरी मुझसे नहीं होती, चापलूसी मुझसे नहीं होती, झूठ मुझसे नहीं बोला जाता,
पैसे मेरे पास ज्यादा नहीं है, मेरे पास वो चीज नहीं है, पैसे की बुनियाद में सियासत करने वाला नहीं हूँ। आपके दिलों के जो मोहब्बत है उस मोहब्बत का सहारा मुझे चाहिए। आप मेरा हाथ पकड़े इंशाल्लाह ताला, बीजेपी को यहाँ पर नहीं, आपका भाई जरूरत पड़ने पर कमिश्नर के भी आंख में आंख डाल के बोलेगा, होम मिनिस्टर के आंख में आंख डाल बोलेगा, चीफ मिनिस्टर के आंख में आंख डाल बोलेगा। मेरे इस हिम्मत का, मेरे इस जज्बे का कदर कीजिए। मैं आपका भाई हूँ, वक्त नहीं है कि मेरे आयब ढूंढे, वक्त नहीं है कि मेरे आयब अभी भी ढूंढो, माफ कर दो, होंगे मुझसे गलतियां, मैं इससे पहले भी बोला, पछता रही है कौम, नासिर इज़्ज़त जिंदाबाद, रही है कौम जिंदाबाद, कौम पछता रही जिंदाबाद। और एक बात, हमारे पास हमारे कांग्रेस के जो एमएलए साहब हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे पास जितने लोग आए हैं कांग्रेस छोड़ करके वो पावर एंजॉय करके आए हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके घर में 40 साल से पावर है, आपके घर में भी 40 साल से पावर है, क्या आप आगे आने इलेक्शन के अंदर अपनी एमएलए सीट को कुर्बान करके दूसरे नए आदमी को देंगे, देने वाले हैं क्या? वो क्या करते हैं बाद में? मैं अगर नहीं ढेरे तो मेरे बाद में ही नहीं देंगे। कमर उस्लाम के साथ भी, कमर उस्लाम के बाद भी, उसके पोत्रे के साथ भी, उसके परपोत्रे के साथ भी। अरे भाई जरूरत नहीं है इन बेवकूफ नारों की। आज कौम उसके साथ जिसके पास हिम्मत है, जिसके पास जो है ताकत है, जिसके पास मजबूत है। नौजवान नौजवान फैसला करेगा। अलीम पटेल को पावर मिला छोड़ गया, अरे तुम्हारे को भी मिला छोड़ो, तुम मेयर बनने वाले को टिकट नहीं देते, एक मेयर को कई को दिए दिए नहीं दिए। ये सारे चीजें जो है मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आपका ये भाई आपसे गुजारिश करता है कि हमारे चारों उम्मीदवारों को जिता के लाएगी इंशाल्लाह ताला, एक ताकत होगी। 4 तारीख के बाद ये हैदराबादी शेरवाने आने वाले नहीं, इधर शौक रखने वाले वो कुछ होने वाला नहीं। 19 कैंडिडेट जनता दल के मेरे साथियों को खरीद लिए, मेरे वर्कर्स को खरीद के टिकट दे रहे हैं एमआईएम की, ये ले टिकट, ये ले टिकट। मैं बोला रे भाई जितने को ले सकता ले, पैसे की बुनियाद में जितने जाते हैं जानने मालूम पड़ता पैसे के आस किसके दिल में है, मजबूत कौन है। और एमआईएम के लीडर्स को भी शेयर बोलते समझ में आता तो समझ ले वरना छोड़ दो। हमने अपने साथियों को अपने दोस्तों को ये कहा है कि उड़ने दो इन पंछियों को आजाद फिजा में, क्या उड़ने दो इन पंछियों को आजाद फिजा में, जो अपने हैं लौट के आएंगे जरूर मेरे भाई। Yeah!